गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़ों को प्यारी बनाओ, छोटों को हेलो। तो एडी भाई के साथ झगड़ा करके थोड़ी सांस चढ़ गई थी और दिस इज अवर डे टू इन रणथंबोर और आज हम जा रहे हैं क्रोकोडाइल सफारी करने। यहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर दूर है और फिर उसके बाद वहाँ पर आगे रामेश्वरम घाट भी है, वहाँ भी जरूर जाएंगे। तो बाइक पर ही जाएंगे, आज ज़्यादा राइड नहीं करेंगे, टोटल 140 किलोमीटर करेंगे और उसके बाद थोड़ा अपने रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी बढ़िया रिजॉर्ट बना हुआ है और इसका नाम है ग्लिट्स रणथंबोर, तो इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद यहीं पर ड्रोन उड़ाएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे राइड पे। तो लेट्स गो। So what we have in breakfast, fruits, पूड़ी, पोहा, आलू, टोस्ट, जूस और ओट्स आ रहे हैं आपके लिए, फ्लेक्स फ्लेक्स। ओके, सो दी ब्रेकफास्ट वॉज टू गुड, मज़ा आ गया खाने में, काफ़ी बढ़िया था, पेट भी एकदम फुल हो गया। अब थोड़ा रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। ड्रोन रेडी कर रहे हैं तो ड्रोन उड़ाएंगे जिससे आपको पूरा व्यू दिख जाएगा और काफ़ी बढ़िया ड्रोन शॉट्स आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द ड्रोन शॉट्स और अब हम निकल रहे हैं क्रोकोडाइल सफारी के लिए और यहाँ से अराउंड 55 किलोमीटर है तो पहुँच जाएंगे एक डेढ़ घंटे में और आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकले हैं और टाइम अभी एक बज रहा है तो दो ढाई बजे तक पहुँच जाएंगे। एक घंटा सफारी, एक दो घंटे सफारी मिलेंगे और शाम को 5-6 बजे तक वापसी। सो लेट्स गो। सो पहले आएगी क्रोकोडाइल सफारी और उसके बाद आएगा रामेश्वरम घाट, तो क्रोकोडाइल सफारी तो पास ही है और 10-12 किलोमीटर चलने के बाद सारा जंगल एरिया है तो हमारी ड्यूक सफारी भी हो जाएगी, ड्यूक 390 सफारी, बाइक सफारी। तो जो रामेश्वरम घाट है वहाँ पर कोई 3 नदियाँ मिलती हैं आपस में और ये सारा माउंटेन एरिया आता है आसपास का, तो अब यहाँ से आगे सारा जंगल एरिया शुरू हो जाता है और करीबन 30-35 किलोमीटर का सारा जंगल एरिया है। तो आई थिंक जंगल वाला एरिया खत्म हो गया है और ये खुले खुले खेत आ गए हैं और बिल्कुल हमारे चारों कॉर्नर से माउंटेन्स हैं, ऐसे बहुत ही बढ़िया व्यू है, बहुत ही बढ़िया। तो अब रामेश्वरम जाके देखते हैं वहाँ पर कैसा व्यू होता है, अगर अच्छा लगा तो वहाँ से भी ड्रोन शूट लेंगे एक। तो फ्रेंड, जो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लेना और ये नीचे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है इसका फॉलो कर लेना, उसमें प्रॉपर अपडेट, सारी पिक्स वगैरह जितनी भी होती है मैं सारी वहीं अपडेट करता हूँ। तो खेतों वाला एरिया आ गया
आज ही रास्ते ने सब कुछ दिखा दिया है, जंगल भी आ गया था बीच में, माउंटेन्स भी आ गए थे, अब खेत आ गए हरे भरे दोनों साइड। तो ऐसे रास्ते आते रहे ना तो राइड का भी मज़ा बना रहता है, और जहाँ अपने भाइयों का साथ हो वहाँ तो वैसे ही मज़ा आता रहता है। सो हे वी रीच रामेश्वर धाम। इसे कहते हैं जन्नत। तो यहाँ लगाते हैं बाइक और लेते हैं एक जबरदस्त ड्रोन शूट। वाओ व्हाट अ व्यू मैन, ऐसा व्यू मिल जाए ना तो अपना आना सफल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ड्रोन शॉट आपको अच्छे लगे होंगे, और अब हम जा रहे हैं उस पॉइंट पे जहाँ पर मगरमच्छ वगैरह भी दिखते हैं, तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो ये खेतों के अंदर से एक रोड जा रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हमने गलत रास्ता ले लिया है। बिना स्टैंड के आउटस्टैंडिंग बाइक देख लो कहां तक डबल स्टैंड लगवाया। तो बाइक को ऐसे ही छोड़ दिया है और अब हम आगे जा रहे हैं, आगे पैदल का रास्ता है, मगरमच्छ देखने हैं तो आगे पैदल जाना पड़ेगा, और आए हैं तो एडवेंचर तो करेंगे ही। सो लेट्स गो। तो वहाँ मगरमच्छ बैठा हुआ है और वहाँ जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, सारा दलदल दलदल है। तो वहाँ पर हम ड्रोन भेज रहे हैं, ड्रोन जाएगा और फ़ोटो निकाल के लाएगा उसकी।
अब निकल रहे हैं यहाँ से, काफ़ी ड्रोन शूट ले लिए, काफ़ी एंजॉय कर लिया। आ जाओ पीछे, पहले तुम ले लो। और गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन मज़ा काफ़ी आया। आपने भी देखा होगा हमारे साथ साथ, आपको भी मज़ा आया। अगर हमें मज़ा आएगा तो आपको तो जन्म आएगा ही आएगा। तो आप सीधा रूम पे जा रहे हैं, थोड़ा खाना वाना खाएंगे और उसके बाद आराम करते हैं। हम हैं तो पूरे के पूरे एडवेंचरस, कुछ नया मिले करने को तो हम पीछे नहीं हटते, क्योंकि मज़ा उसी में ही है, कुछ ना कुछ नया लगा रहे। तो ये वापसी आ गए हम रोड पे, मेन रोड से अंदर गए थे। तो आपने देखा दो मगरमच्छ मिले हमें, और हम वहाँ जा नहीं सकते थे, जा सकते थे, एक तो रास्ता लंबा था, दूसरा सारा मिट्टी मिट्टी थी वहाँ पर, तो जितनी तेज वो भाग सकता था उतनी तेज हम ना भाग पाते, इसलिए हमने ड्रोन के थ्रू दिखाए। और आराम से बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे वो, और ड्रोन की आवाज़ सुनते ही पानी में। काफ़ी बढ़िया शूट आया, होप करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो यार एक लाइक तो बनता है ना वीडियो पे, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कैसी लगी वीडियो, और सब्सक्राइब कर दे बिना बिल्कुल मत जाना जो जो मेरे चैनल पे न्यू है। हेलो, मज़ा ही आ गया। सो द टाइम इज़ 4:30, और यहाँ से हाफ एन आवर का डिस्टेंस है हमारे रूम का, जहाँ हमारा रिजॉर्ट है रणथंभौर में। तो अराउंड 5:45 तक वहाँ पहुँच जाएंगे। मंदिर बना हुआ है माउंटेन के बीचों बीच, बस इस गोल चक्कर से राइट मुड़ के अराउंड 2 या 3 किलोमीटर ये अपना रिजॉर्ट, तो पहुंच ही गए। और टाइम इज़ अराउंड 5:15 हो चुके हैं। सो फाइनली रीच्ड ग्लिट्स रणथंभौर, यहीं रुके हुए हैं हम। ओ कितना शांति मिलती है ना वापसी पहुंच के। लाइन में लगाओ, लाइन में, बाहर तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, लाइन में। एंड दिस इज द रिसेप्शन ऑफ अवर रिजॉर्ट। तो काफ़ी अच्छा है भैया, पीछे से भी रास्ता जाता है हमारे रूम का? नहीं, यहाँ से नीचे रेस्टोरेंट से। अच्छा, यहाँ नीचे से जाता है, ओके। तो हम ऊपर से ही जाएंगे, लेकिन जो सीधा साधा रास्ता है। तो काफ़ी बढ़िया बना हुआ है और फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी हैं। तो वहाँ रेस्टोरेंट, वहाँ रूम, स्विमिंग पूल, स्पा, एवरीथिंग यू वॉन्ट इज अवेलेबल हेयर। और मैंने बैग्स उठाए हुए इसलिए मेरे को सांस चढ़ गई है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो बंदा यहाँ पर खो भी सकता है। ये सेक्शन तो मैंने आपको सुबह दिखाया ही था बैठने का, और यहाँ पर ऊपर भी कॉटेज हैं और नीचे भी। और हमने जो लिया है वो स्विमिंग पूल की साइड का लिया है। रखा है भाई बैग, रखा है चाबी मेरे पास है, मैं आ गया। और ये भी सिटिंग एरिया है, तो ऑल ओवर काफ़ी बढ़िया बना रखा है। क्यों अमित भाई? हाँ बिल्कुल बेस्ट। अभी स्विमिंग पूल में नहाएंगे मज़े से, अब भाई थकान दूर करनी है। हाँ, और ये हम आ गए अपने रूम की तरफ। दिस इज अवर रूम 19 नंबर। Look close to you.
मैं डूब रहा हूँ। साफ, 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 साफ। गया, 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 गया। टाइम हो रहा अभी 6:30 करीब और वहाँ डेजर्ट से होके आए थे, काफी रेत वेत हो गई थी तो हमने सोचा जब नहाना है तो ठंडे ठंडे पानी में क्यों ना नहाए जाए। तो अब सीधा मिलते हैं डिनर पे, बाय बाय। और अब दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूंगा भाई, पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। तो सर का नाम वी एन झा और खाना बहुत ही टेस्टी था, मतलब मज़ा आ गया। कि सर आपने बनाया था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हर एक चीज़ टेस्टी है, ऐसा नहीं कोई चीज़ टेस्टी नहीं, सारी टेस्टी है। मटर पनीर ओवर हियर, चिकन बटर, मिक्स वेज, दाल मिक्स वेज, नान, राइस, सैलड, एवरीथिंग वाज सो नाइस, सो यमी। भाई आपको कैसे लगी? सुपर, थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स फाइनली डिनर वॉज डन एंड डिनर वॉज टू मच ऑसम। खाना बहुत ही टेस्टी था यहाँ का। और ये कलाम जी, हाय। तो आप जब भी आएंगे आपको ये यहीं पर मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मैं हूँ अभी ग्लिट्स रणथंभौर में और इसको मैंने आपको दिखाई दिया, सुबह ड्रोन शॉट में भी दिखाया था। तो आप जब भी विजिट करेंगे ये आपको यहीं मिलेंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी दे दूंगा और इनके प्राइस भी इतने औसम है, मतलब सब कुछ यहाँ का औसम है। ऐसा कुछ नहीं कि आपके जेब अलाउड नहीं करेगी, आप यहाँ पर आइए और अगर हमारे रेफरेंस से आएंगे तो सर डिस्काउंट देंगे ना? बिल्कुल डिस्काउंट। तो अगर आप हमारे रेफरेंस से आएंगे तो आपको यहाँ पर 101% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा लगा सर आपके साथ। थैंक यू। तो ये आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? सर हमको यहाँ पर मोस्टली 4-5 ईयर हो गए। 4-5 ईयर हो गए तो ये पहले इतना था, ये अभी मतलब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं इसको? धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा सर आपके साथ। थैंक यू। तो मिलते रहेंगे, दोबारा चक्कर लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो जो मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Yeah, Bob, you got it.